अभी हम हरसाणा से एक ऐसे गरीब परिवार की मदद करके आए हैं जो एक्चुअल में मदद के लायक था। हमारी टीम ने वहाँ की हालत देखी, चूल्हा जल रहा है, वरना गैस के टाइम पे कौन चूल्हा जलाना चाहता है। बाथरूम का देखो दरवाजा टूटा हुआ है, तो देख के आज बड़ा बुरा लग रहा है। मजदूरी करती है बेचारी, काम नहीं चल पा रहा था, तो हमारे कारणों तक ये बात पूछी क्यों भाई। हमारे गांव की है, हमारी बहन है, बेटी है, जो भी हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो भाई आज यह गरीब कल्याण संस्था की तरफ से तीसरी मदद है भाई, पीपली गांव में दूसरी मदद है भाई, एक हरसाण कर आए थे। तो भाई बहुत अच्छा काम करी है गरीब कल्याण संस्था, और भाई बढ़िया लेवल पर यह टीम भैया से काम करती रहेगी। आस पास में मुँह देखा करो भाई, को गरीब आदमी तो ना है, जरूरी ना भाई हमारी टीम वहाँ पर पहुँचे, भाई आप भी कर सको भाई 10 आदमी मिलकर। तो हमारे अंकल ये जितने भी मेरे भाई हैं भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहीं तो बात करें। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई प्रीतम भाई, आप भी कई घंटे तक साथ में हो, और भाई एडियो साहब एक मिनट में करूँ भाई, अपने साथी युवा साथी भी काफ़ी समय से साथ में लग रहे हैं भाई। जो अपनी गरीब कल्याण संस्था है वो अपने गांव के लिए कुछ सोच कर बनाई थी हमने भी, अपने जो हम देखे हैं अपने गरीब आदमी का हाल कैसा है भाई। हम जो युवा साथी हैं भाई, हमने देखा भी एक ग्रुप तैयार करें कुछ, जो नौकरी पेशे पर लग रहे कुछ साथी मैंने उसमें ऐड करे, और उस साथियों की मदद से भाई वो ग्रुप गरीब कल्याण संस्था भाई चलानी शुरू करी थी, और आज इस लेवल पर गरीब कल्याण संस्था पहुंच गई है। आज मीडिया में भी इसके चर्चे हैं, हर मतलब हरियाणा लेवल पर तो आज इसके खूब चर्चे हो रहे हैं भाई। राजस्थान तक भी मदद मांगने लग गए, कोई शादी का कार्ड आ रहा है। इस संस्था ने भाई अब तक फर्स्ट शादी दिसंबर में करा दी थी एक लड़की की, और उसके बाद 2-3 लड़कियों की शादी में भी बहुत बड़ा सहयोग कराया है। और भाई मेरे ख्याल से 10-15 गरीब परिवार अपने गांव में मदद कर ली। अभी हम हरसाणा से एक ऐसे गरीब परिवार की मदद करके आए हैं जो एक्चुअल में मदद के लायक था। हमारी टीम ने वहां की हालत देखी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी वहां की, स्थिति देख कर भी मतलब ऐसे हालात भाई हमने नहीं देखे, लोग कई किस तरह से जी रहे हैं। अगर भगवान ने हमारे को कुछ किसी लायक बनाया है, तो कम से कम मैं सभी युवा साथियों से जो खासकर नौकरी या कंपनी में नौकरी या गवर्नमेंट जॉब पे हैं भाई, उन साथियों से निवेदन करूँ हूँ भाई, अपना एक छोटा सा ग्रुप तैयार करें भाई, गरीब कल्याण संस्था से जुड़े या अपना बनाएं भाई। कम से कम गरीब आदमियों के लिए ईसा तो करो, 500-400 रुपये हर महीने भी निकाल लेंगे तो गांव में हम 10-5 गरीब परिवारों की मदद कर देंगे। तो भाई सभी से निवेदन करता हूँ भाई, हमारी संस्था का काम अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़ो और जुड़ कर मदद करेंगे। हमारा काम है भाई, जो हमारा काम हो ना उसको देखो आप, निष्पक्ष मिले तो हमारा साथ देना, अगर ये देखे ना भाई अगर वो खाम खा की ड्रामेबाजी तो बेशक रहने देना भाई, ठीक है। तो भाई जुड़ें या खुद अपना संगठन बनाएं, युवा साथी जागरूक हो, कम से कम अपने आस पड़ोस में ऐसी स्थिति जैसे देखो ये अब तीसरी मदद के लिए हम अब यहाँ पहुँचे हैं। देखो ये इसमें देखो एक बार अंदर देखो भाई, इसमें मकान में क्या हालात है एक बार आपको बताएंगे। ये देखो भाई यहाँ आदमी रह नहीं सकता प्रीतम भाई, देखो इस घर के हालात देखो। ये अब गरीब कल्याण संस्था तक जब ये बात पहुँची, मेरे साथी ने फल्लर भाई ने पंच है अपने गांव के पंच, इन्होंने हमारे तक ये बात पहुँचाई कि एक परिवार ऐसा है जो बहुत ही गरीब स्थिति में जी रहा है। तो हमारे भाई गोपाल हैं, प्रीतम भाई, नरेश भाई है, आकाश है, तो इन्होंने भाई बैठ कर बात करी, हमने ओकी भाई से बात करी, वहाँ वहाँ ठीक हम भाई गांव में एक परिवार और बता रहे ऐसा, तो भाई तुरंत भले भी तुरंत मदद पहुँचाई दी जाए भाई, हमें पता ही नहीं लगेगा तो दूसरी बात है, नहीं तो अपने गांव में किसी भी गरीब आदमी को बगैर मदद के रहने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हमारे युवा साथी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं है, हर तरह से सौपन है, सारे सौपन परिवारों से हैं, सभी नौकरी पेशे पर लगे हुए हैं भाई। हम महीने में 2-4 हज़ार रुपये गरीब आदमी के लिए लगा सकते हैं, तो हमारी टीम 300 के आसपास पहुंच चुकी है। तो भाई हम तो 200-200 रुपये भी करेंगे जब भी गरीब आदमी का भाई सहायता कर देंगे, ठीक है। तो भाई सभी साथियों से निवेदन है भाई, ऐसे परिवारों को देखें, चयनित करें और उनकी मदद करें। और भाई इस परिवार की वाकई में दयनीय स्थिति है, कुछ दिन पहले महिला है, इसके पति एक्सपायर हो गए थे, बच्चे हैं 2-3, दिहाड़ी मजदूरी करती है बेचारी, काम नहीं चल पा रहा था। तो हमारे कारणों तक तो ये बात पूछी क्यों भाई, हमारे गांव की है, हमारी बहन है, बेटी है, जो भी कुछ है हमारे, हमारा ही तो परिवार है ये, जब हम अपने परिवार में ही मदद नहीं कर सकते तो हम बाहर क्या करेंगे। तो अपना तो मोटिव है पहले अपना गाँव, अपने जो
गरीब आदमी है गाँव के, उनको देखेंगे, फिर जो हमारे साथी बाहर के जुड़े हुए हैं फिर वो हैं भाई, क्योंकि वो भी हमारे को हमारा साथ दे रहे हैं, तो बाहर के जो हमारे साथी हमारा साथ दे रहे हैं भाई, उनको भी मैं फिर कह रहा हूँ, आपके गांव में आपके आसपास कोई भी ऐसा आदमी है तो तुरंत भाई अपनी गरीब कल्याण संस्था के मेंबर हैं कोई भी अपना, उनको सूचित करें, और आप भी सही होकर रहे हैं बाहर से। अमित मेरा साथी बिरड से है, हर मदद कर रहा है, सोनू गांव से है भाई, ये अब तो बहुत ज़्यादा साथी मदद करने लगे, अब नाम लेने लग जाएंगे तो शाम हो जाएगी भाई, सभी अपना 100-200 जैसी जैसी जिसकी भी वो होती है वो मदद करते हैं, और उनकी मदद एक एक पैसा गरीब आदमी तक पहुंचाते हैं, वो अब यकीन के साथ हमारे पास पैसा भेजते हैं, उनका एक एक पैसा गरीब आदमी के अंदर जाएगा, जो हम अनाज के तौर पे जाएगा वो खाएंगे तो आशीष देंगे भाई, ये सामान लेगा है 2-3 महीने का राशन है प्लस में भाई, हमारी टीम गरीब कल्याण संस्था 3,000 रुपये होली का त्यौहार यहाँ मना रही है गरीब परिवारों में, होली के त्यौहार के लिए 3,000 रुपये और इस परिवार को देते हैं, और भविष्य में भी गोपाल भाई है खड़े हैं नज़दीकी रहते हैं तो नोटिस कर लेंगे, अगर फिर भी इनको ज़रूरत पड़ेगी, फल्लर भाई है, आकाश है पास में ही है, विकास है अपने साथी, बड़े बढ़िया साथी है, सारी युवा टीम है, तो भाई सभी नोट करें, किसी को भी गांव में दिक्कत नहीं आने दी जाए। और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार भाई, इस परिवार के साथ मेरी संवेदनाएँ कुछ ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है, और जो इस घर के मेन मालिक थे जो थे, जो अब आज नहीं रहे, राम सिंह भाई, बड़े ही अच्छे आदमियों में उनकी गिनती थी, मैं उन्हें बचपन से छोटा सा देखा था मैंने उन्हें, उनकी देखो कहते हैं गरीबी देख के नहीं आती, जब मैं छोटा सा था मैं उनके पास बैठता था, उनका गणित इतना अच्छा होता था, उन्होंने मुझे एक बात कही थी मुझे आज भी याद है, कि मेरे 10वीं में 100 में से 98 मार्क्स आए थे, लेकिन उसमें से मुझे आज भी दर्द है कि मेरे 2 मार्क्स कहाँ गए, तो वो इतने पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन भाई जो है गरीबी देख के नहीं आती जैसा मैं कह रहा था, तो इनके हालात आज बहुत ख़राब, आज वो नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं, ये उनके लड़के की वाइफ हैं, देखो घर में चूल्हा जल रहा है, वरना गैस के टाइम पर कौन चूल्हा जलाना चाहता है, बाथरूम का देखो दरवाज़ा टूटा हुआ है, तो देख के आज बड़ा बुरा लग रहा है, पर कोई नहीं, जैसा भी गरीब संस्था ने सोचा है कि भाई हम हर परिवार की मदद करेंगे, तो आज यहाँ आ गए हैं, और जितना संभव प्रयास होगा भविष्य में भी इनकी मदद करेंगे, आज सामान लाए हुए हैं और कुछ नकदी जो है वो भी देंगे, बाकी आकाश भाई थोड़ा बताएंगे इस बारे में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आज होली के अवसर पर हमारी ये तीसरी मदद है, और आज परिवार को शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए हैं होली के तौर पर, 3,000 रुपये की मदद, और ये राशन है दे दे, 3,000 रुपये और भाई राशन अंदर है, एक बार आ जाए, एक बार दिखा दे, 2-3 महीने का राशन है भाई, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी है कोई भी तो ये कांटेक्ट कर लेंगे हमारी संस्था को, और हम आगे भी मदद के लिए तैयार हैं। जय श्री राम भाई। तो भाई अपने गांव में आसपास में गली मोहल्ले में भाई देखा करो भाई, कौन भूखा सो रहा है, कौन किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में जीने लग रहा है, तो भाई इस तरीके के हालात ना हो भाई, भगवान किसी के ना देवें, तो भाई ऐसी मदद कराया करो, तो भाई अच्छा लगा है जब ऐसी ऐसी मदद करें, जब भाई दिल ने बहुत खुशी मिला है, तो हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखा रहा हूँ भाई प्रीतम नागर की, राम राम।